ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबर पंचायत में आगे बढ़ते हैं। दौसा के मेवा क्षेत्र में पिछले दिनों हुई मावठ के बाद ठंड बढ़ गई है। क्षेत्र में ठंड बढ़ने से कोहरा भी छा गया है। कोहरा छाने से हाईवे पर यातायात प्रभावित हो रहा है। वाहन चालकों को इससे दिक्कतें आ रही हैं, वहीं लोगों को सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। इधर किसानों ने बताया कि कोहरा और ठंड गेहूं की फसल के लिए लाभदायक है। पाली जिले के देसुरी पंचायत समिति की बागोल ग्राम पंचायत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनचेतना शिविर संपन्न हुआ। इसमें शिविर प्रभारी और विकास अधिकारी विक्रम सिंह राजपुरोहित की मौजूदगी में कई मामलों का हाथों हाथ निस्तारण किया गया। इस दौरान दीनदयाल उपाध्याय शिविर में श्रमिकों को श्रमिक कार्ड भी वितरित किए गए, साथ ही पेंशन, पीपीओ, आधार कार्ड सहित कई प्रकार के आमजन के कार्य शिविर के दौरान निपटाए गए। इस दौरान सीडीपीओ चक्रवर्ती सिंह डायलाना, सरपंच नारायण लाल, चिकित्सक नाथाराम चौधरी, आयुर्वेद चिकित्सक कालूराम मीणा, प्रकाश मीणा सहित कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बाड़मेर के सिवाना विधायक अमीर सिंह भायल ने ग्राम पंचायत कुसिप के राजस्व गांव खेड़ा खिंदावड़ा सरहद साईजी की बेरी राजकीय प्राथमिक विद्यालय अतिरिक्त कक्षा कक्ष का भी वहां पर शिलान्यास किया गया है। जयपुर के सांभर लेक के न्यू मार्केट स्थित स्टेट बैंक के एटीएम के मुख्य गेट का शीशा टूटा हुआ मिला, जहां लोगों ने बताया कि एटीएम आवारा जानवरों की चरण स्थली बन गया है। अलवर के बड़ौदा में थाना क्षेत्र गांव इमलाली में सड़क के किनारे खड़े एक व्यक्ति को सामने से आ रहे तेज गति के टेम्पो ने टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसके बाद मृतक पाए जाने पर शव मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस ने बताया कि मृतक रामचरण गांव इमलाली में चाय की दुकान करता है। दूसरी ओर पुलिस टेम्पो चालक की भी तलाश में जुटी हुई है। उदयपुर के वल्लभ नगर में नवानिया गांव में वरघोड़ा निकाला गया। वरघोड़ा कस्बे के मुख्य मार्ग से होता हुआ मंदिर स्थल पर पहुंचा, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। उदयपुर के वल्लभ नगर में सुखाड़िया विश्वविद्यालय केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष मयूर ध्वज सिंह चौहान का शपथ ग्रहण और छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर स्वामी श्री अखिलेश्वरानंद गिरी महाराज और सुखाड़िया विश्वविद्यालय कुलपति श्री जेपी शर्मा महोदय द्वारा फीता काटकर केंद्रीय छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। जबकि छात्र संघ अध्यक्ष मयूर ध्वज सिंह चौहान को शपथ ग्रहण महामंडलेश्वर स्वामी जी द्वारा करवाई गई। कार्यक्रम में मयूर ध्वज जी के माता पिता का भी माल्यार्पण और स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विश्वविद्यालय के कुलगीत के साथ हुई, जबकि समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय कुलपति महोदय द्वारा की गई। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय छात्र कल्याण अधिष्ठाता मदन सिंह जी राठौड़, वाणिज्य महाविद्यालय अधिष्ठाता जी सोरल, प्रोफेसर विजय श्रीमाली के साथ ही वाणिज्य महाविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और कई विद्यार्थी भी इस दौरान मौजूद रहे। रानी के पाली में एक गांव में सिरवी समाज द्वारा नवनिर्मित आई माता वडेर का 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के तीसरे दिन भक्ति संध्या में भजन सम्राट प्रकाश माली ने अपनी भक्ति में प्रस्तुतियां दी हैं। इसके साथ ही कलश ध्वजा तोरण की भी बोलियां लगाई गई। पाली के रानी के कस्बे के राजकीय ओटरमल मेहनता प्राथमिक विद्यालय बालक बालिकाओं ने रैली निकाली और प्लस पोलियो अभियान के तहत बच्चों ने ग्रामीणों को रैली के माध्यम से जागरूक किया है। पाली जिले के देसूरी में बावड़ी वाले पूरब जी की छतरी की दूसरी वर्षगांठ पर देर रात को विशाल भजन संध्या आयोजित हुई। इसमें घाणे राव के महेश पमार और सोजत रोड के दिनेश राणा ने एक से बढ़कर एक उम्दा भजन प्रस्तुत किए। अतिथि के रूप में देसूरी सरपंच और समाज सेवी घाणे राव निवासी राजेश मेवाड़ा मौजूद थे, जिनका आयोजन समिति के संयोजक सुरेश मेवाड़ा ने माला और साफे से किया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में स्थानीय जैन समाज ने शिवमुनि की जन्म जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। जैन कॉन्फ्रेंस के प्रदेश उपाध्यक्ष के सानिध्य में आयोजित रक्तदान शिविर में विभिन्न समुदायों के 113 लोगों ने रक्तदान किया है। उदयपुर के वल्लभ नगर में नवानिया में जैन भागवंती दीक्षार्थी मुमुक्षु अनिल पोखरना के दीक्षा समारोह में अवसर पर इस प्रकार से अभिनंदन और कार्यक्रम का आयोजन किया वो देखने लायक था। इसमें क्षेत्र के सांसद महोदय सीपी जोशी के साथ ही कई जनप्रतिनिधियों ने दीक्षार्थी अनिल का भव्य अभिनंदन किया है। इस दौरान सांसद महोदय ने सभी जैन मुनियों से आशीर्वाद लिया। इसके बाद दोपहर को दीक्षा आरती की शोभा यात्रा भी निकाली गई। पूरे नवानिया गांव में बैंड बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा के रूप में वरघोड़ा निकला। इस दौरान जगह जगह पर दीक्षा आरती का ग्रामीण पुष्प वर्षा कर स्वागत करने पहुंचे। शोभा यात्रा में उदयपुर जिले के समस्त गांवों से हजारों की संख्या में समाजजनों ने हिस्सा लिया, जिससे एक बार तो नवानिया गांव की गलियों में भक्ति की रसधारा बहने लगी। 12 के किशनगंज में बच्चों को बचाना, पोलियो की दवा पिलाना, 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार के नारे के साथ घर घर जाकर ग्रामीणों को जागरूक कर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवाएं पिलाई गई।
सीकर के खंडेला तहसील के आसपास के ग्रामीण इलाके में पिछले चार दिन से पैंथर की आवाजाही के चलते माजी साहब की ढाणी, गोविंदपुरा, दूधवालों का वास और निमेड़ा सहित आसपास के ग्रामीण दहशत में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। राजसमंद के आमेर थाना क्षेत्र के आगरिया के वाड़ा में एक महिला ने अपने ऊपर केरोसिन उड़ेल आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके इलाज के दौरान मौत भी हो गई है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में अखिल भारतीय किसान सभा की बैठक हुई, जहां किसानों की समस्याओं को लेकर संगठन 1 फरवरी को अनिश्चितकालीन धरना देने पहुंचेगा। नागौर के पर्वतसर में वरिष्ठ नागरिकों और विशेष योग्यजनों की सुविधा हेतु स्मार्ट कार्ड पंजीयन शिविर का अटल सेवा केंद्र बागोत में आयोजन किया जाएगा। बुकिंग प्रभाग ने बताया कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम आगार अजमेर द्वारा यह शिविर आयोजित किया जा रहा है। जालौर के जसवंतपुरा क्षेत्र में बीते दिनों हुई मावठ के बाद फसलों पर पाला गिरने से किसानों के लिए चिंताएं बढ़ गई हैं। पाला गिरने से सरसों और जीरा की फसल को ज्यादा नुकसान हुआ है। सवाईमाधोपुर के बोली क्षेत्र के पीपलवाड़ा गांव में स्कूली छात्राओं से सामाजिक तत्वों द्वारा भद्रता करने के मामले में पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मौका मुआयना किया है। हनुमानगढ़ के भादरा के छानीबड़ी गांव के चंदूराम सुथार मेमोरियल कॉलेज में पुस्तकालय बनाने, शिक्षकों के रिक्त पद भरने और कंप्यूटर लैब बनाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर धरना दिया। बारा के छबड़ा में कोटा बिना रेल लाइन पर चलने वाली सवारियां गाड़ियां इन दिनों अपने समय से बहुत ज्यादा देरी से चल रही हैं। सर्दी में यात्रियों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में परमाणु बिजलीगढ़ कॉलोनी में 20 साल से कार्यरत स्थानीय होमगार्ड को हटाने के विरोध में और अन्य मांगों को लेकर होमगार्ड जवानों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया है। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली का पुतला फूंका गया, जहां स्थानीय करणी सेना के युवाओं ने महाराणा प्रताप सर्किल पर पद्मावती फिल्म के तथ्यों को मरोड़कर पेश करने के विरोध में आक्रोशित राजपूत समाज ने पुतला फूंका। बाड़मेर के बालोतरा में राष्ट्रीय सेवक संघ के पथ संचलन की भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्वयं सेवकों ने हिस्सा लिया। जोधपुर जिले के शेरगढ़ क्षेत्र के भूंगरा निवासी सेना के जवान हवलदार क्लर्क 35 वर्षीय सवाई सिंह इंदा का सैन्य और राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। सेना के अधिकारियों और शेरगढ़ के तहसीलदार केशव सिंह मेड़तिया सहित सैकड़ों लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। नागौर के मेड़ता सिटी में जीप और बाइक की टक्कर हो गई, हादसे में एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। जोधपुर के तिवरी में मांडिया कला गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों का विदाई समारोह कार्यक्रम हुआ। इस दौरान लंबे समय से स्कूल में सेवा दे रहे शिक्षकों ने अच्छी पहल करते हुए विद्यालय विकास के लिए 10,100 रुपए की राशि स्कूल विकास कोष में स्थानीय विद्यालय प्रबंधक समिति के अध्यक्ष को सौंपी है। अलवर के गोविंदगढ़ कस्बे के आसपास क्षेत्रों में धरले से चलाए पानी के आरओ प्लांट का काम हो रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। उदयपुर के भिंडर में थानाधिकारी हिमांशु सिंह राजावत के नेतृत्व में पुलिस बल ने नगर के बाजार और प्रमुख चौराहों से अतिक्रमणकारियों के चालान काटे और ज्यादा अतिक्रमण करने वालों का तुरंत अतिक्रमण हटाया है। सूरजपोल पर हटा रहे अतिक्रमण पुलिस बल के पास से गुजरे ओवरलोड क्रेशर मिट्टी से भरे ट्रैक्टर को देखने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई, तो उसी दौरान एक मिनी बस पर बैठी सवारियों पर चालान काट दिया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान जागरूक नागरिक दुकानदारों की शिकायत करते हुए अतिक्रमण हटवाया गया, तो वहीं दुकानदारों और हाथ से लोरियां चलाने वालों के दबी जुबान से भी विरोध करने को देखने को मिला है। बाड़मेर के कल्याणपुर में सरवड़ी पुरोहितान में विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए टेबल कुर्सी की व्यवस्थाएं की गई है। सरवड़ी के भामाशाह श्री बहादुर सिंह परिवार की तरफ से प्रधानाचार्य राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय सरवड़ी पुरोहितान को 21 टेबल टूल्स सेट की दी गई है। इस अवसर पर मोहन सिंह ने भी 6,000 रुपए की राशि दी। इस मौके पर विद्यालय के प्रधान अध्यापक और स्कूल के स्टाफ ने माला पहनाकर अभिनंदन किया। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।